तो भाई ये हमारे छोले, ये हमारे भटूरे, और ये गाइस 50 रुपए के हैं छोले भटूरे, 50 रुपए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल वंस अगेन। आज है सैटरडे और आज है मेरी छुट्टी, तो भाई मैंने सोचा आज का व्लॉग बनाते हैं और आज पूरे दिन में हम कौन से फूड ट्राई करेंगे उसका रिव्यू और उसका प्राइस बताएगा। तो आज दिन की शुरुआत हो रही है, अभी सुबह के बज रहे हैं 11, तो हम शुरुआत करेंगे छोले भटूरे से। यहाँ पर मिलते हैं सिंधी आंटी जी के छोले भटूरे, बेस्ट छोले भटूरे मुझे लगते हैं पूरे दिल्ली में। मैंने बहुत सुने हैं राम के छोले, ये वो छोले, विराट कोहली के छोले, लेकिन भाई ये छोले ट्राई करना गाइस एक नंबर छोले, और प्राइस सिर्फ 50 रुपये है। तो चलो शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। पैकेजिंग तो पैकेजिंग में देखो, ये है इसमें भटूरे, हमारे दो भटूरे दिखाए गए, ये है भटूरे और ये है छोले, ये है छोले और ये है प्याज और ये चटनी। चलो अब इसको सही से ट्राई करते हैं प्लेट में लेकर। तो भाई ये हमारे छोले, ये हमारे भटूरे और ये है प्याज चटनी और इसमें गाजर मिर्ची भी है। चलो इसको ट्राई करते हैं। तो चलो यार ये ट्राई करते हैं। ये है भटूरा, सबसे पहले बड़ा अच्छा से कुक्ड है ये भटूरा। देन हमारी है ये छोले, जैसे आपको पता ही है, ये है हमारी चटनी प्याज और इसमें गाजर भी गाइस। चलो पहले प्याज कर लेते भाई मज़ा। अगर मैं चटनी की बात करूँ ना, चटनी बहुत ही फ्रेश लग रही है, ऐसे लग रहा है कि 2-3 दिन पुरानी चटनी है। चलो मेन से स्टार्ट करते हैं भटूरा, उसको दिखा दो से। अंदर फिलिंग इसमें धनिया और थोड़े से पनीर है, अंदर फिलिंग थोड़ा कम है लेकिन क्वांटिटी इसकी कम है, अंदर जो स्टफ है वो कम है। एक बाइट लेते हैं, इसमें डालते हैं हम पहले, सबसे पहले अपना प्याज एक डालेंगे, ये आम का अचार भी है गाइस इसके अंदर। तो अब ये डालेंगे मिर्ची और ये बनाया हमने बाइट, इसको कर देंगे बंद। ये बनाएंगे हम अब छोले के साथ, ये ले लिया गाइस हमने छोले और इसको चेक कर। भाई 50 रुपए के हैं छोले भटूरे, 50 रुपए के, विश्वास नहीं होता। ये कई बड़े बड़े रेस्टोरेंट के छोले भटूरे को टक्कर देता है, ये बेस्ट छोले भटूरे का। मैं कहता हूँ आप इसको ट्राई करना बहुत ज़रूरी है, आप जब भी इस दिल्ली की तरफ आपका चक्कर लगे तो भाई सिंधी के छोले भटूरे ज़रूर ट्राई करें, बेस्ट छोले भटूरे यार, बेस्ट। इतना टेस्ट है, इतना सही है, फ्लेवर्ड वाले छोले हैं इसके। अगर मैं छोले की बात करूँ ऐसा नहीं, अलग अलग अगर एक एक छोले भी आप उसके दाने की भी बात करो ना, तो उसमें भी एक फ्लेवर है बहुत ही अच्छा। और चटनी मैं बता रहा हूँ, सारा जो जादू है ना ये प्याज और चटनी का है इसमें। और भटूरे, हो सकता है भटूरे आपको बहुत जगह सेम मिल जाए, लेकिन चटनी और जो छोले होते हैं ना, अरे हाय वही तो स्वाद बांटते हैं। फिर भाई मेरे से तो रुका नहीं जा रहा, एक बाइट और लूँगा। ये भर लिए तुमने, तुम्हारे भाई ने छोले, चेक करो यार है कि नहीं, चेक करो। मजा आ गया भाई, गा।
एक बात और है गाइस, अगर आप कहीं भी अगर छोले भटूरे खाओ और उसका बजट 50 रुपये हो, 50 रुपये के हो, 40 रुपये के, मिलते हैं बहुत स्ट्रीट पे। नहीं तो ये दुकान में बहुत हाइजीनिक तरीके से इसको बनाया जाता है। ऊपर से इनकी पैकेजिंग देखो कि प्लास्टिक के जो टिफ़न आते हैं इसमें दिया है इन्होंने, प्लास्टिक की पिन्नी का यूज़ नहीं किया है। जो सस्ती पिन्नियाँ आती हैं आपने देखा होगा, अगर 50 रुपये के अगर कोई छोले भटूरे कहीं से लेगा तो वो पन्नियों में पैक करके देते हैं, जो कि एक तो यार थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस थोड़ा सा वो हो जाता है, पता नहीं कहाँ कहाँ से हो गया। ये देखो इसकी पैकेजिंग देखो, कोई चक्कर नहीं भाई साहब, कंजूसी बिल्कुल नहीं करी है इन्होंने, बहुत ही स्वाद है। मैं तो कहता हूँ भैया ट्राई इसे करना, अगर आप दिल्ली से हो और दिल्ली में आपका चक्कर लग रहा है और आपने इसी इस छोले भटूरे को ट्राई नहीं करा तो ये भाई पाप है, ये फूडी। अगर और आपने आपको फूडी कहते हो ना तो ये तो सबसे बड़ा पाप है। तो भैया ये ट्राई करना बहुत ज़रूरी है, तो ट्राई करो, मजे लो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट मील के साथ। छोले भटूरा खाने के बाद भाई मैं आ गया था अपनी स्विमिंग पूल की क्लास लेने, उसके बाद मैं लंच में खाए मोमोज। मोमोज बड़े अच्छे थे, चिकन मोमोज थे एक प्लेट 60 रुपये के। इसके अंदर की फीलिंग देखो, चिकन के इसमें काफ़ी बड़े बड़े पीस थे और अच्छी खासी क्वांटिटी थी। उसके बाद इसको मैंने खाया ये 3 तरीके की चटनी के साथ, जिसमें से एक प्याज थी और लाल चटनी सेजवान और एक मेयोनीज। बड़े स्वाद मोमोज थे गाइस, जरूर ट्राई करें। ये नोएडा में मिलते हैं शिप्रा मॉल के पास। तो भाई ये मोमोज खाने के बाद फिर मैं निकल चुका घर के लिए, घर के लिए निकला। स्कूटी चला रहा था तो अच्छे से शूट नहीं कर पाया और वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाई। फिर रास्ते भर पे ये कुछ मैं बोल रहा था लेकिन रिकॉर्ड नहीं हो पाया। Never hear me, bitch. Nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want. डिनर में मैंने खाया गाइस ये रोल, जो कि ये 80 रुपये का रोल है, मेरे घर के पास मिलता है। क्राउड बहुत था होटल में तो मैं इसलिए सही से सूट नहीं कर पाया, बस स्वाद था। आप ट्राई जरूर करिएगा। 80 रुपये निकले, मैं आ गया था घर पे और इसका एंड में शूट नहीं कर पाया तो मैं नेक्स्ट डे कर रहा हूँ। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज़ बताएं, और लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट में बताएं आपको और कैसी कैसी कौन कौन से फूड की रिव्यू चाहिए, रिव्यू की वीडियो चाहिए। टिल देन बाय बाय। अगर आप इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा नहीं बने तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा के इस फैमिली का हिस्सा बने। थैंक यू, गुड बाय।